दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे पता करते हैं कि हमारे नाम से या फिर हमारी जीमेल आईडी पर गूगल एडसेंस अकाउंट बना हुआ है या नहीं। क्योंकि दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि जब हम मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं और वहां पर जब गूगल एडसेंस अकाउंट बना रहे होते हैं तो वहां पर हमें एक एरर मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है एडसेंस अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट। इसका मतलब होता है कि हमारा एडसेंस अकाउंट पहले से ही बना हुआ है लेकिन हमें पता ही नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप बड़ी ही आसानी से पता कर सकते हैं कि आपका एडसेंस अकाउंट पहले से ही बना हुआ है या नहीं। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं हूं शैलेंद्र प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं रियल टेक हेल्प। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों हमारे नाम से पहले से ही गूगल एडसेंस अकाउंट बना हुआ है या नहीं यह पता करने के लिए सबसे पहले हमें अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है और ब्राउजर को उस जीमेल आईडी से लॉगिन कर लेना है जिस पर हम पता लगाना चाहते हैं कि इस पर हमारा एडसेंस अकाउंट बना हुआ है या नहीं। और दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को सबसे ज़रूरी बात बता दूँ कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा जीमेल आईडी हैं तो आपको सभी जीमेल आईडी पर इसी प्रकार से चेक करना है जिस प्रकार से मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स जब आप एक एक करके सभी जीमेल पर चेक करेंगे तो आपका एडसेंस अकाउंट जरूर मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों जब हम मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करते समय जब हम सेकंड स्टेप में जाते हैं जहां पर हमें एडसेंस अकाउंट क्रिएट करना होता है वहां पर हम एडसेंस में किसी दूसरी जीमेल आईडी से साइन अप कर लेते हैं जबकि हमारा एडसेंस अकाउंट किसी दूसरी जीमेल आईडी पर होता है। इसीलिए सेकंड स्टेप में प्रॉब्लम आ जाती है, वहां पर एरर मैसेज आ जाता है यू हैव ऑलरेडी एडसेंस अकाउंट। तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमारे पास मेल भी आ जाता है जब हम सेकंड स्टेप कंप्लीट करना चाहते हैं लेकिन वहां पर एरर आ जाता है, उसके बाद हमारे पास मेल आ जाता है और मेल में एक जीमेल आईडी होती है, वो जीमेल आईडी वहां पर होती है जिस पर हमारा एडसेंस अकाउंट होता है। तो फ्रेंड्स उसी जीमेल आईडी से डायरेक्टली हम लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो आप एक एक करके सभी जीमेल आईडी पर पता लगा सकते हैं कि किस जीमेल आईडी पर हमारा एडसेंस अकाउंट बना हुआ है हमारे नाम से। तो दोस्तों यहां पर मैंने देखिए एक जीमेल आईडी से लॉगिन कर रखा है। लॉगिन करने के बाद सर्च बॉक्स में हमें टाइप करना है google.com/adsense। चलिए यहां पर मैं टाइप कर देता हूं। तो देखिए आपको इस प्रकार से टाइप करना है google.com/adsense। उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर गो कर देना है या फिर सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे डायरेक्टली आप एडसेंस में पहुंच जाएंगे। अगर आपका एडसेंस अकाउंट बना होगा तो आपका एडसेंस अकाउंट डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। तो देखिए यहां पर सर्च चल रही है, सर्च होने के बाद हम देखते हैं यहां पर हमारा एडसेंस बना हुआ है या नहीं। तो देखिए यहां पर हमारा एडसेंस अकाउंट बना हुआ है दोस्तों, देखिए यहां पर ओपन हो रहा है। यहां पर अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कुछ एरर यहां पर शो हो रहा है, तो हम उसकी सेटिंग जो है वो कर लेंगे, एडसेंस का सेटअप कर लेंगे, लेकिन इसी प्रकार से आप पता कर सकते हैं। तो देखिए अब हम किसी दूसरी जीमेल आईडी को यहां पर लॉगिन करेंगे और उस पर चेक करेंगे कि उस पर गूगल एडसेंस अकाउंट बना हुआ है या नहीं। तो देखिए यहां पर हम होम पर आ चुके हैं और अब हम यहां पर अकाउंट चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर लोगो चेंज हो चुका है, यहाँ पर हमने दूसरे जीमेल आईडी से लॉगिन कर लिया है। उसके बाद देखिए फिर से हम google.com/adsense सर्च करेंगे। देखिए यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने फिर से google.com/adsense टाइप कर दिया है और हम इसे सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होता है, मुझे पता है कि इस जीमेल आईडी पर कोई भी एडसेंस अकाउंट नहीं बना हुआ है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एडसेंस की वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो चुकी है और यहाँ पर गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आ रहा है। इसका मतलब है कि हमने यहाँ पर कोई भी एडसेंस अकाउंट नहीं बनाया है इस जीमेल आईडी पर। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आ जाता है ताकि हम यहाँ पर एडसेंस अकाउंट बना सकें। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से आप पता लगा सकते हैं कि आपके किस जीमेल आईडी पर आपका एडसेंस अकाउंट बना हुआ है और आपको एक एक करके सभी जीमेल आईडी पर चेक कर लेना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो में बताई गई जानकारी आपको समझ आई होगी, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें।